कृषि भाई महिंद्रा की ओर से आप सभी को नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। कृषि वेबिनार सीरीज कृषि के विभिन्न विभिन्न विषयों पर जानकारी देता है और इसी संदर्भ में आज का जो हमारा विषय है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, मतलब संरक्षित कैसे कर सकते हैं, तो क्या क्या किसान जो है हमारे जो किसान क्या क्या कार्य करे जिससे कि सॉयल की जो क्वालिटी है और उसकी जो हेल्थ है वो संरक्षित रहे। जी देखिए, मिट्टी में अगर हम कार्बनिक कार्बन से संबंधित किसी भी स्थिति पर विचार कर रहे हैं या उसके से जुड़े हुए किसी भी गुण के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो पोषक तत्व धारण क्षमता है, जल धारण क्षमता है या बफरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है हमने मिट्टी में, तो या हमेशा ये ध्यान रखें कि चाहे आप यूरिया, डीएपी, पोटाश जैसे सिंथेटिक उर्वरक तो डाल रहे हैं, परंतु उनके साथ साथ थोड़ा जैविक खादों पर भी ध्यान दें, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, चिकन मैन्योर हो गया, जिसे हम चिकन खाद भी कहते हैं या पोल्ट्री खाद भी कहते हैं, नीम केक हो गए, मल्चिंग जैसे जिन्हें हम शहतूत प्रथाएं भी कहते हैं, जैव उर्वरक और जैविक खादों के उपयोग में थोड़ी वृद्धि करनी चाहिए ताकि मिट्टी की जो उत्पादकता है और प्रजनन स्थिति में भी सुधार हो और इस प्रकार जो है जल, मानव और पशु स्वास्थ्य में भी काफी सुधार होगा। तो समय समय पे किसानों को आप बता रहे हैं कि उसके जो ऑर्गेनिक कार्बन, उसका जो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर ऑर्गेनिक कार्बन सही है तो मिट्टी स्वस्थ रहेगी, उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी और सुरक्षित रहेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बिशप। मैं आशा करता हूं कि हमारे किसान इस जानकारी का उचित फायदा उठाएंगे और अपनी जमीन को, अपनी मिट्टी को हमेशा सुरक्षित रखेंगे और हेल्दी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।